दोस्तों अंदर द बुक शेल्फ में मैच ना। अक्सर मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस जो आते हैं वो एग्जाम को लेकर आते हैं कि मैम प्लीज इन पात्रों का परिचय बता दीजिए अलग से, या इसकी आलोचना बता दीजिए, इसका पीडीएफ भेज दीजिए। और मुझे हर बार उतने संकोच के साथ एक ही आंसर करना पड़ता है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। दरअसल मैं किताबों को जैसा पढ़ती या जीती हूँ वैसा आप सबसे शेयर कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, जब भी मुझे ये पता चलता है कि आज जिस भी किताब के बारे में मैं बात करने वाली हूँ और वो एग्ज़ाम से जुड़ी है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उसकी समरी बता सकूँ या उसको जितना सरल और विस्तार के साथ आपको बता सकूँ, ताकि जिन बच्चों के पास वो किताब नहीं भी है उन्हें मेरे जरिए से ही एक छोटी सी भी मदद मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होती है। और इसी क्रम में मैं आज लेकर आई हूँ बाण भट्ट की आत्मकथा। ये एग्जाम से जुड़ी भी है और साथ ही साथ एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। आत्मकथा का मतलब होता है कि लेखक के द्वारा स्वयं के जीवन पर लिखी गई बातें। लेकिन यहाँ पर बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जरिए लिखी गई है। इसका प्रकाशन वर्ष 1946 है। ये 20 उच्छ्वासों में बटी हुई है। उच्छ्वास का मतलब होता है गहरी सांस। इस तरीके से ये 20 उच्छ्वासों में बटी हुई है, जैसे खंडों में बटते हैं, अंकों में बटते हैं, कुछ इस तरह से। शायद हम जब भी कुछ बहुत दिल से लिखते या बोलते हैं तो गहरी सांस लेकर इसका पर्याय यहाँ पर ये होना चाहिए। इस उपन्यास की शुरुआत में दर्शा दिया गया है कि ऑस्ट्रिया से आई 68 वर्षीय मिस कैथराइन, जो अपने भारत भ्रमण के दौरान एक पांडुलिपि पाती हैं और उसे लेखक तक पहुंचा देती हैं। ऐसा माना जाता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा का एक नजरिया मिस कैथराइन के जीवन के होने का आभास भी है, उनका जीवन दर्शन भी है। पर मिस कैथराइन के बारे में सिर्फ शुरुआती पन्नों पर जिक्र है या फिर अंतिम पन्नों पर, बीच की सारी कहानी ऐतिहासिक मोड में ही चलती है। ये 7वीं शताब्दी की कथा है जिसमें इतिहास के साथ साथ कल्पना का भी बहुत पुट है। ये राजा हर्षवर्धन के जीवन काल के समय की है, जब उनका राज था और बाण भट्ट वहां पर सभा पंडित हुआ करते थे। पूरा उपन्यास हर्षकालीन संस्कृति और सभ्यता का परिचय देता है, साथ ही साथ बाण भट्ट का भी। बाण भट्ट, जिनका वास्तविक नाम दक्ष भट्ट था, बचपन में ही उनकी माता जी चल बसी थी और उनके 14 वर्ष के होते होते उनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। वात्सायन वंश में जन्मे उनके पिता एक प्रकांड पंडित थे। बाण भट्ट अपने परिवार से बहुत अलग स्वभाव के थे। उनका ज्यादा मन घुमक्कड़ी, भ्रमण या फिर गप्पे मारने में लगता था। ऐसे में वो अपने आप को अपने कुलीन परिवार के सम्मान योग्य नहीं समझते थे। पर ऐसा नहीं था, वो बहुत सारी कलाओं में महारथी थे। उन्हें वनस्पति ज्ञान बहुत अच्छा था, साहित्य, नाट्य विधा का, पशु पक्षियों की बोलियों का, अभिनय का, लिखने का, वाक्पटु तो वो थे, साथ ही साथ बहुत रूपवान भी थे। और इन्हीं गुणों की वजह से वो लोगों में, अपने दोस्तों में समय बहुत लोकप्रिय भी थे। अपनी इन्हीं विशेषताओं पर उन्होंने किशोरावस्था भी पार कर ली और फिर धीरे धीरे इन्हीं गुणों को आगे भी बढ़ाया। भ्रमण के तो वो बहुत शौकीन थे ही। एक दिन घूमते घूमते वो स्थानेश्वर जा पहुंचते हैं, जहां उनकी भेंट पान बेचती हुई निपुणिका से होती है। उन्हें बहुत गहरा धक्का पहुंचता है निपुणिका को वहां इस जगह पर देखकर। दरअसल जब वो उज्जैनी में उनकी नाट्य मंडली थी तो निपुणिका उनकी नाट्य मंडली में शामिल थी। वो एक बाल विधवा थी और अस्पृश्य जाति की थी, यानी कि जिन्हें लोग अछूत मानते हैं। बाण भट्ट स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे। उनकी नजर में कोई भी स्त्री जिसे भले ही कुलभ्रष्टा कहा जाता हो, पतिता कहा जाता हो, वो भी पूजनीय योग्य थी, देव मंदिर के समान थी। इसलिए निपुणिका को भी उन्होंने पूरा सम्मान दिया। निपुणिका इसी वजह से बाण भट्ट को मन में बहुत पसंद करने लगी। वो धीरे धीरे उनकी प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो ही रही थी। लेकिन एक दिन बाण भट्ट की किसी भी बात पर उनकी जो हंसी, एक उपेक्षा भरी हंसी थी, उससे वो बहुत आहत हुई और उन्हें बिना बताए वहां से चली गई। बाण भट्ट ने उसे बहुत ढूंढा, कई सालों तक ढूंढा, लेकिन निपुणिका कहीं नहीं मिली। इस बात का उन्हें बहुत दुख था और आज मिली भी तो 6 सालों के बाद पान बेचते हुए। पर निपुणिका से मिलकर बाण भट्ट को बहुत अच्छा लगा,
क्योंकि वो उसी आदर और प्यार के साथ मिली। उसने उन्हें बताया कि वो आज भी उन्हें ही देवतुल्य समझती है, और साथ ही ये भी कहा कि बाणभट्ट को जरूर उसके ईश्वर ने वहाँ पर भेजा है, क्योंकि वो उनसे एक मदद चाहती है। वो बहुत आश्चर्य में पड़ते हैं कि निपुणिका को मुझसे क्या मदद हो सकती है। निपुणिका कहती है कि देव मंदिर का उद्धार करना है। बाणभट्ट समझ जाते हैं कि किसी स्त्री की बात है, क्योंकि वो स्त्रियों के लिए यही शब्द इस्तेमाल किया करते थे कि वो देव मंदिर तुल्य हैं। निपुणिका उन्हें सारी बात समझाती है। दरअसल छोटे राजकुल से एक राजकुमारी को बचाना था, जिसे दस्यु अपहरण करके वहाँ राजा के पास छोड़ गए थे। छोटे राजकुल का राजा बहुत ही व्यसनी था। उसने लगभग एक महीने से उस साध्वी राजकुमारी को अपने वहाँ कैद करके रखा था। निपुणिका उसे बचाना चाहती थी, और इसके लिए आज के दिन से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता था, क्योंकि आज छोटे राजकुल में स्त्रियों का एक उत्सव मनाया जा रहा था। नाच गाना, शराब पीना, उस वक्त भी शायद ये सब दौर चलता रहता था। निपुणिका बाणभट्ट को वहाँ पर स्त्री के वेश में लेकर जाती है, ताकि किसी को कोई शक ना हो। राजकुमारी बाणभट्ट से मिलती है, और जब उन्हें बाणभट्ट का असली परिचय पता चलता है तो वो बड़ा संकुचित हो जाती हैं, लेकिन फिर वो बाणभट्ट पे भरोसा भी करती हैं, और निपुणिका और बाणभट्ट उनको बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले आते हैं। छोटा राजकुल प्रतापी मौखरियों का अंतिम चिन्ह था, लेकिन वहाँ के इस राजा ने उसका माहौल पूरा बिगाड़ दिया था। लोगों का भरोसा धीरे धीरे हटता जा रहा था। ऐसे में बाणभट्ट और निपुणिका मिलकर राजकुमारी को बचा लाते हैं। बातों बातों में जब राजकुमारी को ये पता चलता है कि पास में ही आचार्य सुगतभद्र हैं, जो कि उसके पिता के मित्र हैं, तो वो बाणभट्ट से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें जाकर ये संदेश दे दो कि मैं जीवित हूँ और मुझे मेरे पिता तक पहुँचवा दें। और तब बातों बातों में बाणभट्ट को राजकुमारी का असली परिचय प्राप्त होता है कि वो कोई मामूली राजकुमारी नहीं, देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या है, जिसे वो बहुत खोज रहे हैं, परेशान हैं, जिसकी वजह से पश्चिमोत्तर शासन भी कहीं ना कहीं उतरता जा रहा है और शत्रु उस पर आक्रमण कर रहे हैं। वो आचार्य सुगतभद्र तक ये संदेश पहुंचा देते हैं। आचार्य भी बहुत खुश होते हैं ये जानकर कि चंद्रधीतति अभी तक जिंदा है। राजकुमारी का नाम थोड़ा सा मुश्किल है, और निपुणिका उसे भट्टिनी कहती है, मैं भी भट्टिनी ही कहूँगी। भट्टिनी का अर्थ होता है सम्माननीय महिला। जैसे भट्ट को ब्राह्मण कहते हैं, वैसे ही ब्राह्मण या सम्माननीय महिला को भट्टिनी कहते हैं। तो निपुणिका हमेशा उसे भट्टिनी कहकर पुकारती है, और बाणभट्ट भी उसे यही कहते हैं। जब आचार्य को उनकी खबर मिलती है तो वो बहुत खुश होते हैं, और बाणभट्ट से कहते हैं कि राजा कृष्णदेव से मदद मांगी जाए, जो कि वहाँ के राजा हैं, और उनसे मदद लेकर भट्टिनी को उनके पिता तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए। जब बाणभट्ट ये समाचार राजकुमारी को देता तो खुश नहीं होती। उसे लगता है कि उस वंश के ही राजा ने मेरा अपहरण करके मुझे कैद करके रखा था, और उसी राज के दूसरे राजा से मैं मदद लूँ, ये मेरे सम्मान को गवारा नहीं होगा। वो भट्ट से रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा नहीं होने पाए। बाणभट्ट उसकी बात समझ जाते हैं और राजा कृष्णदेव तक पहुंचाते हैं। पहले तो राजा कृष्णदेव को बहुत बुरा लगता है कि इस तरह से कैसे राजकुमारी ने कह दिया, मैं तो उनके भाई तुल्य हूँ, क्या मैं उनके साथ गलत कर सकता हूँ। पर वो बातों की गंभीरता को समझते हैं कि उन्हीं के घर में अगर किसी ने ऐसा राजकुमारी के साथ किया तो भरोसा होना स्वाभाविक नहीं है। इसलिए वो बाणभट्ट को कहते हैं कि मैं तुम तीनों के मगध जाने की तैयारी करा देता हूँ, सुरक्षित पहुँचवा देता हूँ वहाँ पर, और तुम राजकुमारी को वहाँ लेकर जाओ। भट्ट तैयार हो जाते हैं, और निपुणिका, राजकुमारी और भट्ट तीनों मगध की ओर प्रस्थान करते हैं। भट्ट स्त्रियों का सम्मान तो करता था, लेकिन राजकुमारी के प्रति उसे अलग से खिंचाव महसूस होता है। रास्ते में उसकी मुलाकात भैरव बाबा और महामाया से होती है। दोनों उपन्यास में प्रतीक स्वरूप हैं, कल्पना का पुट लिए हुए, लेकिन वहाँ पर वो बाणभट्ट के अंतर्मन को उसको दिखाते हैं कि उसमें राजकुमारी के प्रति आकर्षण झलक रहा है, वो राजकुमारी को पसंद करने लगा है। वास्तविकता में राजकुमारी भी उसे पसंद करने लगी है, लेकिन
ये एक त्रिकोणीय प्यार होते हुए भी कहीं पर भी कोई ईर्ष्या जैसी बात नहीं थी। तीनों एक दूसरे के प्यार का बहुत सम्मान करते थे। राजकुमारी जानती थी कि निपुणिका बाणभट्ट को बहुत पसंद करती है। निपुणिका जानती थी कि राजकुमारी और बाणभट्ट एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर कोई भी जलन की भावना नहीं थी, बल्कि पूरा आदर और सम्मान था इस बात का। बाणभट्ट राजकुमारी और निपुणिका को भद्रेश्वर में लोरिक दे के वहां सुरक्षित छोड़कर वापस हर्षवर्धन के राज में लौट आता है स्थानेश्वर, क्योंकि आचार्य और कृष्णदेव ने उसे ऐसा करने को कहा। दरअसल राजा हर्षवर्धन ने बहुत सारी गलत फहमियां पाल रखी थी बाणभट्ट के खिलाफ। उन्हें लगता था कि वो एक सही व्यक्ति नहीं है। ऐसे में वहां जाकर बाणभट्ट को भी बहुत अपमान सा महसूस होता है, पर समय धीरे धीरे सही आकार लेता है। दोनों की गलत फहमियां दूर होती हैं। राजा हर्षवर्धन बाणभट्ट से बहुत प्रभावित होते हैं। उसकी विद्वता देखकर, उसकी योग्यता देखकर वो उसे अपना राज पंडित बना लेते हैं। बाणभट्ट वहां रहकर उनके राज के सम्मान में बहुत कुछ लिखते हैं और कादम्बिनी और हर्षचरित की भी रचना करते हैं। उन्हीं दौरान वहां पर एक दिन रत्नावली नाटक खेला जा रहा था, जिसकी कहानी कुछ इस तरह से थी कि वासव दत्ता रत्नावली का हाथ नायक के हाथ में दे देती है और अपने प्राण त्याग देती है। लेकिन उस दिन वासव दत्ता का अभिनय निपुणिका निभा रही थी और नाटक खेलते खेलते ये नाटक जीवंत हो जाता है। निपुणिका अपने प्राण रत्नावली का हाथ नायक के हाथ में, यानी कि बाणभट्ट के हाथ में देते ही त्याग देती है। बाणभट्ट और भट्टिनी को बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्होंने किसी भी एक ऐसे दिन की कल्पना नहीं की थी जिसमें निपुणिका यानी न्यूनिया ना हो। बाणभट्ट अक्सर उसे न्यूनिया कहकर पुकारते थे। उन दोनों को बहुत दुख होता है, लेकिन वो आगे एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। बाणभट्ट राजकुमारी को अपने साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन आचार्य उसे इसकी अनुमति नहीं देते। ऐसे में जब बाणभट्ट जाने लगते हैं तो राजकुमारी धीरे से कहती है, जल्दी लौट कर आना। और बाणभट्ट अपने मन ही मन कहते हैं, क्या मिलना होगा। उपन्यास यहीं पर खत्म हो जाता है। ये उपन्यास प्रेम के सात्विक रूप से भरा हुआ है। ये जितना ऐतिहासिक है, इसमें कल्पना भी उतनी ही भरी हुई है। एक और जहां जैसे राजा हर्षवर्धन, बाणभट्ट, राजा कृष्णदेव, आचार्य, इन सबों को ऐतिहासिक पन्नों पे भी दिखाया गया है, लेकिन ज्यादातर नारी पात्र भट्टिनी, निपुणिका, सुचरिता, महामाया, ये सभी उस उपन्यास में काल्पनिक पात्र दर्शाए गए हैं। उपन्यास की भाषा में अलंकारिकता और विशेषणों का बहुत प्रयोग किया गया है, विशेषकर नारी सौंदर्य और प्रकृति के बारे में वर्णन करते हुए। आमतौर पर जब हम जिस भाषा में बात करते हैं, उस भाषा में कोई उपन्यास होती है तो हमें समझना बहुत आसान होता है, लेकिन ये उपन्यास क्लिष्ट हिंदी में है और संस्कृत का भरपूर प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसे थोड़ा सा धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा। इस उपन्यास की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, इसमें ये तो दर्शाया गया है कि स्त्रियों की स्थिति उस समय भी बहुत शोचनीय थी। एक स्त्री का अपहरण होता है और सुचरिता का पति उसे छोड़कर चला जाता है। इसी तरह से महामाया रानी होते हुए भी बहुत दुखी होती है, पर उसके बावजूद इस उपन्यास का उद्देश्य नारी सम्मान है। जैसे निपुणिका अस्पृश्य जाति की होते हुए भी प्रेम की पराकाष्ठा को बहुत अच्छे से समझती है, बहुत महानता के साथ प्यार करती है बाणभट्ट से। इसी तरह से भट्टनी को आज़ादी का प्रतीक माना गया है, अपने देश की आज़ादी का उसके प्रति बहुत सम्मान भाव दिखाया गया है। महामाया जो कि एक रानी होती हैं, लेकिन अपने देश की आज़ादी के लिए वो गीत लिखती हैं, आह्वान में भाग लेती हैं और अपना सारा राजपाट छोड़कर सन्यासिनी हो जाती हैं। सुचरिता को उसका पति सालों पहले छोड़ जाता है, पर फिर भी वो बहुत धैर्य के साथ उसका इंतजार करती है और एक दिन उसे पा लेती है। प्रेम को सर्वोपरि मानते इस उपन्यास में प्रेम का संबंध वासना से नहीं, आत्मा से जुड़ा हुआ दिखाया गया है, और प्रेम का ये स्वरूप निसंदेह आपको भी जोड़े रखेगा इस उपन्यास के जरिए। इसे पढ़िएगा जरूर और अपनी राय भी भेजिएगा कि आपको कैसा लगा। जल्दी फिर मिलते हैं अपनी नई उपन्यास, नई कविता, नई कहानी के साथ। गुड बाय दोस्तों।